अब इसकी ट्रिमर की हुई तो ये ठीक नहीं हुआ। आगे दोनों लाइटें, अबे दोस्तों देख सकते हैं दोनों लाइटें आ चुकी हैं इसमें। जैसे ही हमने निकाली तार, लाइट चली गई। ठीक है, सेट हमारा ऑन हो गया। इससे ज्यादा हम आपको कुछ नहीं दिखा सकते क्योंकि आगे कुछ हुआ। मीटर दिखाना जरा, आगे कुछ हुआ, आगे वोल्टेज देख लेंगे एक बार शैल की, बस तो आई गई होगी। लेकिन ऐसा ना हो थोड़े दिन के बाद वो एसी की वजह से दोबारा उड़ेगी, उड़ेगी, गर्म हो रही है एसी, अभी लोड लेके उड़ जाएगी। तो फिर उसकी जगह क्या किया जाए, उसकी जगह क्या किया जाए, एसी तो बहुत गर्म हो रहा है। अरे खत्म है एसी भाई, एसी डलेगा तो ही काम करेगा ये, और एसी के बिना नहीं सप्लाई चल सकती। ना ना, एक काम हो सकता है, अलग से कन्वर्टर लगा सकते हैं। कन्वर्टर लगा के ना, फिर जब चार्जिंग का कट नहीं होगा चार्जिंग के अपने आप। अरे चार्जिंग को कट कौन किसको चाहिए यार, छोटा 3 वोल्ट के साथ लेना सारे, इतनी देर थोड़ी लगाना होता है। ये तो अपने आप कट कर देता था ना, तो मैं अंदाजे से करनी पड़ेगी आधा घंटा एक घंटा चार्ज, पिन लगा के तो उसको बता ही देंगे। सेल फट जाएंगे, सेल फट जाएंगे, पहले फट तो गए सेल, उसने 200-250 रुपए उससे ले लिए, वो सेल दोबारा पानी छोड़ गए, वो तो छोड़ेंगे। 15 वोल्ट हो जाएगी डायरेक्ट सीधी, है ना, इसमें होएगी ना, अलग से बना के लगाओ। अलग से तो फिर जुगाड़ में बना ही दूंगा, फिर इसको तो हटा दूंगा सारे ताम झाम को, इसमें रह के एलईडी बल्ब है तो बस पीसीबी भी निकाल के बाहर मारूंगा साले का, पीसीबी का भी क्या क्या हूँ फिर इसमें। 50 रुपये का कन्वर्टर आएगा। हाँ नहीं नहीं जी, वही ठीक रहेगा ना। 50 का कन्वर्टर, कौन सा कन्वर्टर आएगा, 15 वोल्ट से 3 वोल्ट? हाँ वो तो छोटा बक्का सारे लिखे पड़ा है आपके पास अभी, सारी सप्लाई लिखी होती हैं, 3 वोल्ट पे कर देना उसको। हाँ बस वो अच्छी चीज बनाई है उन्होंने, बना के चेंज चीज, ये इन्होंने काफी माल बिका है चाइना का, नहीं तो बंदा मत्था ही खराब करता है। इसमें फिट हो जाएगा वो? हाँ हो जाएगा, छोटी सी प्लेट होती है, इससे आधी भी नहीं है, आधी समझ लो। चल भी तो इतना इतना बड़ा होगा उसका पुंतरू का। अरे बोर्ड से आरेंज कौन सा लेना आप बताओ ना यार, छोटा क्या, दो आते हैं उसमें, दो तीन तरह के। नहीं नहीं कहता, उसमें सारी वोल्टेज निकलती है। कौन सा बोलूंगा, 1.5 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट निकलती है उसमें। क्या बोलना, उसका नंबर है उसका कोई? कन्वर्टर, वो कन्वर्टर छोटी सप्लाई बोल देना ना, छोटी सप्लाई 1.5 से लेके 5 तक 1.5-3 वाली बोल देना, अपने आप दे देगा, 50 रुपए का देगा, इसके बाद मिल जाएगा। इसके पास भी होता है, क्या नाम है, ऐसा नहीं कमाएगा, इसके पास भी होता है अग्रवाल के पास, तो मिल जाए। वो मैंने पहले लगाया था अपने स्कूटर के अंदर चार्जिंग करने के लिए बैटरी को, वो चार्जिंग करने ना होता है 12 वोल्ट की बैटरी से, वो लोड लेगा बैटरी का, तो छोटा सा सर्किट होता है यार बैटरी से चार्ज नहीं, मतलब कि ये जो होता था ना इसके अंदर हमारे लगा हुआ है, मोबाइल चार्ज करने के लिए बनाया था, 12 वोल्ट की बैटरी से मोबाइल को चार्ज करता था, वो अलग चीज है, वो अलग होता है, ये वो वाला नहीं है ना, ये छोटा वाला। इससे समझ लो तीसरा हिस्सा प्लेट होगी उसकी, मतलब कि ये सेल चार्ज कर देगा, है ना, तो चार्जिंग वाला लगा दे फिर, चार्ज करने सेल को तो वही तो करना, और क्या करना है इसमें, चार्जिंग वाला सेल तुम और क्या सोच रहे हो, मैंने और क्या करवाना है इसमें, वो तो फिर वो लगा देना जो आता है, तो कौन सा सेल चार्जिंग वाला सर्किट आता है छोटा सा एक, यार वही तो चाहिए अपने को, और इसमें क्या करवाना है हमने, तो बस तो फिर वो लगा ले, जब चार्जिंग हटा लेगा तो बटन ऑन, नहीं नहीं हो उसमें ऑटोमेटिक बंद कर देगा वो, हैं ऑटोमेटिक बंद कर देगा वो, कितने वोल्ट पे जाके जब सेल चार्ज जाएंगे ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाएगा वो, कितनी देर में, जब भी सेल चार्ज, सेल चार्ज होंगे उल्टी बात, घंटे आधा घंटा, 2 घंटे लगे, 1 घंटे लगे, सेल खराब नहीं होने देता वो, ना 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 कट कर देगा ना, वही लगा दो, वही चाहिए बस, बाकी तो बटन से इसको ऑन करा ही देंगे हम, ये बटन यूज कर लो इसका ही, ये पीसीबी तो ये लगेगी, पीसीबी लगाए रखेंगे इसको, क्योंकि लीड भी लगनी है, लाइटें भी जलनी, हाँ पीसीबी लगाए, इस पीसीबी के हो गए काम, फॉर्म का ही परेशान हो रहे हो, इधर की साइड ऊपर ही आ जाएगा बहन, तो बटन के सेल लाएंगे पीछे के साइड, सेल के पीछे कहाँ लगेगा यार वो पीसीबी, जगह नहीं बनेगी, इसमें नहीं लगेगा वो, ये पीसीबी हटाना ही पड़ेगा, ये पता कर लेना है, वो बहन चो आग हो रही है तो खत्म है इसी यार, इसी कहाँ से पता करें बहन जी, ऑनलाइन देख लेना,